हाय, आज हम बात करेंगे हाउ टू बी लेस स्ट्रेस्ड ऑन योर वर्क प्लेस। अब ये वर्क प्लेस कोई भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है या कोई भी प्राइवेट जॉब हो सकती है, पब्लिक जॉब हो सकती है। नंबर वन, वर्क प्लेस पे आपको ये देखना है कि आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम करें। उसके लिए जैसे हमने अपने पहले वीडियो में बताया, आपको अपनी स्केड्यूलिंग कट के रखनी है और बहुत ही ज्यादा कोशिश करके आपको अपने इंटरप्शंस अवॉइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में आपके इंटरप्शन हो सकते हैं एक व्हाट्सएप मैसेज या एक चैट जो आपके कंप्यूटर पे ऑन हो जाए, या फिर कोई स्काइप मैसेज आ जाए, या फिर कॉन्टिन्यूसली आप एक गॉसिप सेशन में पड़ जाएं विद योर नेबर बेंच। यू हैव टू कट योर इंटरप्शंस एंड बी ऑन योर स्केड्यूल। सेकेंड टिप, प्लीज अवॉइड सेल्फ इम्पोज्ड स्ट्रेस। यस, हम सेल्फ इम्पोज्ड स्ट्रेस के बहुत ज्यादा मुरीद हैं सारे, क्योंकि हम बार बार कुछ ना कुछ सोच के अपने आप को स्ट्रेस में भेजते रहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जीवन के हमारे हाथ में नहीं होते और हम उन्हीं फैक्टर्स के लिए हैरान परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके बॉस का रिएक्शन कैसा होगा इज नॉट इन योर हैंड। सेकेंड, आपका अप्रेजल होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में जरूर है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन द फैक्टर्स दैट इज इन योर हैंड एंड डू नॉट वरी अबाउट द फैक्टर्स विच आर नॉट इन योर हैंड। सो सेल्फ इम्पोज जो स्ट्रेस हम लेते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स से, उसको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो हम सब जानते हैं, व्हेन वी ईट राइट एंड स्लीप वेल वी आर लेस स्ट्रेस्ड। होता क्या है, आजकल की भागा दौड़ी में सुबह उठकर जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, हम अच्छे से खाना नहीं खाते। कोशिश करके एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास ऑफ जूस विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीरियल्स, या एक रोटी चपाती या अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स खाकर आप घर से निकले। उसका ये फायदा रहेगा कि आप हमेशा एक्टिव महसूस करेंगे, आपको बहुत जल्दी इरिटेशंस नहीं होंगे, और यस, अगर आप सोए अच्छे से होंगे तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ टिप, आपको कभी भी इरिटेशन हो, आप कभी भी अपने आप को ये महसूस करें कि मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस हो रही हूँ, कोशिश करें अपने आप को कूल डाउन करने की। जितनी जल्दी आप अपने आप को कूल डाउन करेंगे, उतनी जल्दी आप रिलीफ महसूस करेंगे। अब इंस्टेंटली आप क्या कर सकते हैं, यू नो, यू कैन स्टार्ट लुकिंग समवेयर आउटसाइड योर कैबिन, यू कैन रोम फॉर अ मिनट और टू, यू कैन डू योर हैंड्स लाइक दिस, यू कैन स्ट्रेच योर नेक लाइक दिस, और इवन यू कैन क्लैप सिटिंग ऑन योर डेस्क एंड देन यू कैन लुक अप, थैंक गॉड फॉर योर डे, थैंक गॉड फॉर योर लाइफ, एंड ऑल टुगेदर एक लंबी सांस लेके अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। सो छोटी छोटी चीजें जो आपको लगे कि एकदम से आपका ध्यान भटका देंगी, वो अपने वर्क स्पेस पे करें, और कोशिश करें जब भी स्ट्रेस हो कूल डाउन क्विकली। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको किसी चीज का कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस है अपने डेस्क के ऊपर, अपने काम के अंदर, सो आपको समझना पड़ेगा कि वो हो सकता है कि आपका ही पर्सपेक्टिव हो। इसको अगर मैं और अच्छे से बोलूं तो आपको शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्ट्रेस है कि मेरे से अच्छी प्रेजेंटेशन कोई और दे देगा, या बॉस को या एचआर को कोई और इम्प्रेस कर जाएगा। सो ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपका बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं कि क्या पता मेरे जितना किसी को आता ही ना हो, यू नो। सो यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव समटाइम्स टू रिलीव योर स्ट्रेस। थैंक यू।